दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला श्रीलंकाई टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा, क्योंकि अगर यहां उनकी टीम को हार मिली तो वनडे सीरीज के बाद अब वो टी20 के खिताब को भी गवा देंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट्स और मौसम का हाल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इस मैदान पर अब तक जितने मुकाबले खेले गए हैं उसमें एक बात तो साफ देखी गई है कि तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स, दोनों ही समय समय पर अपना कमाल दिखा सकते हैं। दूसरे टी20 मैच में भी इस ट्रैक पर ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत और श्रीलंकाई टीम के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं और बेहतरीन स्पिनर भी। बेशक मेजबान श्रीलंकाई टीम वनडे सीरीज के अंतिम दो मैचों के साथ साथ टी20 सीरीज के पहले मैच में भी कई बार अच्छी स्थिति में होने के बावजूद मैच को अपने पक्ष में नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी उनके स्पिनर्स टीम इंडिया के लिए इस पिच पर फिर से कड़ी चुनौती रखेंगे। इस पिच पर टी20 पारी का औसत स्कोर 157 रन है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए भी काफी कुछ मौजूद रहेगा। इस पिच पर ऐसा लगातार देखा गया है कि बहुत से बल्लेबाज अच्छी गेंद की बजाय अपने खराब शॉट चेन की वजह से आउट हुए हैं। इसलिए अगर बल्लेबाज शुरुआत की कुछ गेंदें संभल कर खेलने में सफल रहे तो वो लंबे समय तक अपनी टीम के रनों में इजाफा जरूर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो मंगलवार को जब भारत और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में अपना दूसरा टी20 मुकाबला खेलने उतरेंगी तो दोनों ही टीमों को फिर से पसीना जमकर बहाना पड़ेगा। आज कोलंबो में बारिश के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अनुमान सिर्फ इतना है कि बादल जरूर छाए रह सकते हैं। कोलंबो का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के आसार हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजों को जिस हवा की दरकार होगी वो उनको मैच में जरूर मिलती नजर आ सकती है। बुधवार को कोलंबो में बारिश का अनुमान जरूर है। ऐसे में खिलाड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैच रात की तरफ बढ़ेगा तब हवा में कुछ ठंडक उनको राहत देगी। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।